नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एन की रिपोर्ट है क्राइम इंडिया रिपोर्ट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में अभी डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी समुद्र शक्ति एटीन जोन्स हैं इंडियन रेलवेज के इंडिया में आज के सवाल है इन विच स्टेट इज द कलेसर नेशनल पार्क सिचुएटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन राजस्थान विच ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन राजस्थान कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वॉट आर द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीच इंडिया हैज हाल ही में इसमें नंबर्स बड़े हैं आंसर कितने अब टोटल नंबर हैं इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बीचे के विच ऑर्गेनाइजेशन इन टाइप विद इसरो सी बी एस ई लॉन्च स्पेस चैलेंज विच पोएट यूज टू राइट द उर्दू गजल उर्दू गजल विद द पेन नेम असद आपको उस पोएट का नाम बताना है जिन्होंने लिखा है उर्दू गजल्स विद द पेन नेम असद सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है एम्बोल्डन एम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना प्रोत्साहित करना गिव करेज मेक ब्रेव एनकरेज रिप्राम का मतलब होता है डांटना रिब्यूक एन ऑफिशियल वन वेग है वेग मतलब वो अस्पष्ट है अनसर्टेन इनडेफिनेट अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग एंट्रेंट का मतलब होता है शामिल होने वाला अ पर्सन और ग्रुप दैट एंटर्स ज्वाइंस और टेक्स पार्ट इन समथिंग एंट्रेंट पम्पोसिटी पम्पोसिटी मतलब बहुत ज्यादा भव्यता है द क्वालिटी ऑफ बींग पॉम्पस सेल्फ इंपॉर्टेंस सो दीज आर समबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यू एस ए जो बाइडन का मीटिंग विल हैव अ टॉक देन दिस इज क्वाड इन इंडो पैसिफिक हाईकोर्ट का रिमार्क ऑन ई डब्ल्यू एस कोटा सेट असाइड दिस इज इन डेंजर जोन यू पी एस सी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी के रिजल्ट आउट हुए हैं दिस इज क्लाउड किचन्स क्लाउड किचन्स विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्योंकि अभी वर्ल्ड फार्मासस्ट डे है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर को दिस इज कॉम्प्लेक्स काउंट ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से, है इससे रिलेटेड क्या अप्रीहेंशन है विल हैव अ टॉक अ फ्लिकर ऑफ होप ग्लोबल फर्म्स डिस एंगेज होती है तो एम्प्लॉयमेंट सफर करता है यहाँ हम बात करेंगे जैसे अभी फूर्ड का एग्जिट हुआ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और लेसन्स क्या हैं हमारे लिए औकस सागा है दिस इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इतने करोड़ का डील किया एयर बस से ये सी टू नाइन एयर है चाइना का सेंट्रल बैंक एंड दिस क्रिप्टो करेंसी वन बिलियन री सप्लाई ऑफ इरो आयरन डोम आयरन डोम ऑफ इसराइल इकोनमी ऑन सस्टेन्ड रिवाइवल पाथ है सेंसेक्स डेटा एंटी डंपिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल ट्राई एंड फाइव जी पूजा डिसकम डिकम्पोजर का डिमांड बढ़ रहा है द स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंड दिस इज डिजिटल ओनली बैंक देन आज हम वाइस रॉय सीरीज कंप्लीट करते हैं आज हम पढ़ेंगे दीज गवर्नर जनरल्स ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया तक सी राजगोपाला एंड माउंट बैटन माउंट बैटन

ये सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये फर्स्ट मीटिंग हो रहा है प्राइम मिनिस्टर और यू के नए प्रेसिडेंट का स्ट्रोंगर टाइज़ यू एस प्रसिडेंट जो बाइडन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द वाइट हाउस ऑन फ्राइडे तो अगेन जो टॉक हुआ वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हुआ है इंडिया यू एस ए टाइज बेनिफिट करेगी होल वर्ल्ड को ये यू एस प्रेसिडेंट ने भी कहा इंडिया और यू एस का जो रिलेशन है इस रिलेशन को अब एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ब्रॉडन करने की ज़रूरत है जैसे हम डिफ़ेंस में भी अब ज़्यादा टाइज बेटर हो रहे हैं इकोनॉमिक टाइज़ हमारे पहले से भी थे सेफ्टी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ इंडो पैसिफिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस एरिया है इंडिया और यूएसए के इंटरेस्ट्स का दे वुड लाइक टू वर्क ऑन कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट चेंज और डायस्पोरा डायस्पोरा क्या होता है जो इंडियंस यूएस में जाके बस गए वो इंडियन डायस्पोरा है इंडियन डायस्पोरा और यूएस में इंडियन डायस्पोरा का भी अच्छा खासा नंबर है तो ये जब भी यूएसए से हम बात करते हैं आई तो इंडियन डायस्पोरा हमेशा एक मेजर फैक्टर होता है स्ट्रोंगर टाइज तो सीड्स फॉर एक्सपेंशन है ट्रेडिशनली हम देखें ना तो जब से जो न्यूक्लियर डील हुआ न्यूक्लियर डील हुआ 2007 जॉर्ज सेवन एंड बोशन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी उसके बाद से इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है ना इसमें कन्वर्जेंस ज़्यादा आया है टाइज हो रहा है सीड्स फॉर एक्सपेंशन और दूसरी बात ये भी है कि डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो और इंडिया में भी गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टीज़ की हो ये जो इंडिया यू के रिलेशन है ना ये स्ट्रॉगर ही हुए हैं सो दे वर एंटरिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ सीड्स फॉर एक्सपेंशन फुल पार्टनरशिप जैसे हमने अभी जो डिफेंस के टाइज होते हैं फाउंडेशनल अग्रीमेंट होते हैं लेमोआ साइन हुआ बेका साइन हुआ तो ये क्या बताता है कि इंडिया एंड यू एस ए के अगेन डिफेंस रिलेटेड एरिया में भी कन्वर्जेंस हो रहा है अदरवाइज इंडिया का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम रशिया के साथ ज़्यादा कन्वर्जेंस था डिफेंस टाइज में बट अब यू एस ए भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन रहा है इसको भी आगे हम ऑकस में भी देखते हैं सो so, जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए है टू ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड यूएसए ओल्डेस्ट है इंडिया बिगेस्ट है स्ट्रोंगर क्लोजर टाइटर टाइज पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिट होगा अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन स्ट्रांगर फुटिंग पे रहेंगे सो दिस इज़ द मैसेज ये अभी ऑन गोइंग ट्रिप है अभी यू एन जी ए भी एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर तो इस टॉपिक को हम रिविजिट करेंगे और जैसे ही ये ट्रिप कंप्लीट होगा इस पूरे ट्रिप का हम समरी आंसर राइटिंग करेंगे ओके okay. सो so, वो काफ़ी एफिशिएंट मेथड होगा इस टॉपिक को डील करने का ओके नाउ दिस इज हाई कोर्ट रिमार्क्स ऑन ई डब्ल्यू एस कोटा से अभी ये जो बात चल रही है रिजर्वेशन रिलेटेड इसमें दो चीज़ें हैं एक तो आगे हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्यों कराना चाहिए ताकि हमारे पास डेटा आए बट अगर डेटा अगर गलत आएगा तो वो डेट्रीमेंटल रहेगा हमारे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरी बात ई डब्ल्यू एस कोटा ई डब्ल्यू एस कोटा ऐसे वर्टिकल लगता है मतलब सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सारी क्लासेस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है तो उनको दस परसेंट रिजर्वेशन की बात है बाकी ओ बी सी रिजर्वेशन भी है तो यहाँ ये बात था कि जुलाई ट्वेंटी नाइन का जो नोटिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ताईस परसेंट रिजर्वेशन ओ बी सी कैंडिडेट को फॉर मेडिकल कॉलेजेस अंडर ऑल इंडिया कोटा अब ऑल इंडिया कोटा क्या है हर राज्य के पास कुछ मेडिकल सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटे में कॉन्ट्रीब्यूट करता है फिर ऑल इंडिया लेवल से उस कोटे का उस सीट्स का अलोकेशन होता है मतलब यूपी का स्टूडेंट से केरला तमिलनाडु में भी उस कोटे के थ्रू पढ़ सकता है तो दिस इज ऑल इंडिया कोटा इसमें भी जो रिजर्वेशन की बात थी उस पर यह मुद्दा उठा था तो इंक्लूजन ऑफ फर्दर टेन परसेंट बाय वे ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस परमिसेबल होगा या नहीं होगा इस बात पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर ये अगेन अभी इसमें बहुत क्लैरिफिकेशन है नहीं फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी सेट असाइड बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द कंटेम्प्टी अननेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द कंटेम्प्ट पॉइंट इज कि फिलहाल के लिए ये रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया कोटा में है ट्वेंटी सेवन परसेंट ओ बी सी ये कंटिन्यू रहेगा ओके okay? Then this is boat sent to save jumbo capsized journalist die. Capsized वर्ड तब यूज करते हैं जब बोट ऐसे पानी में जाती है डूब जाती है तो उसको कैप्साइज बोलते हैं तो ये एक जम्बो है एलिफेंट वाइल्ड एलिफेंट है ट्रैप हो गया था फ्लड वाटर में बैराज में बैराज ओपन वगैरह हुआ होगा अचानक बारिश आई एंड ऑल तो ये जम्बो वहाँ पे स्टक इसको सेव करने के लिए बोट गया और बोट भी कैप्साइज हो गया और ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ सेविंग वाइल्ड एनिमल फ्लोरा फोना इज इम्पॉर्टेंट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो पर्सनल स्पेशली जैसे फॉरेस्ट वाले सिक्योरिटी वाले एन डी आर एफ वाले जो ये रिस्की काम करते हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स गेयरस और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है ओके देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन ये न्यूज़ है यूपीएससी पी एस सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी का रिजल्ट कल शाम को आउट हुआ आई आई टी बॉम्बे ग्रेजुएट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बीटेक टेक ग्रेजुएट है आईआईटी बॉम्बे शुभम कुमार सो दिस इज एक्सिलेंट न्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है मैनी मैनी कांग्रेच मैनी कांग्रेच आपने इतना मेहनत किया इतना हार्डवर्क किया नाउ यू हैव गॉट दिस सक्सेस एक्सिलेंट मैनी मैनीचुलेन्स बट जब सक्सेस आती है सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है नाउ पीपल विल लुक अप टू यू सो यू हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबल एक्ट रेस्पॉन्सिबल ओके सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस अब दूसरी बात बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्व करते थे बहुत हार्डवर्क किया बट यू नो ये एग्जाम में बहुत अनसर्टेनिटी होती है प्रडिक्टिबिलिटी अनप्रडिक्टिबिलिटी होती है सो बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर सलेक्शन इस लिस्ट में नाम नहीं आया वैसे ही काफ़ी कम नाम है सेवन हंड्रेड समथिंग केवल नाम है सो द पॉइंट इज ये जो एग्ज़ाम है ना ये लाइफ को डिफाइन नहीं करता है अंडरस्टैंड दिस थिंग सेकेंड ये आपको भी डिफाइन नहीं करता है आपको भी डिफाइन नहीं करता है बहुत सारे केसेस हैं पीपल जो क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को बट लाइफ में उन्होंने और भी बहुत अच्छे काम किए सो so, अगर यूपीएससी से यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस जर्नी यूपीएससी जर्नी तो थिंक एक्सप्लोर व्हाट एल्स यू कुड डू अगर हिम्मत है अटेम्प्ट है दोबारा लिखना है अगेन थिंक कि कहाँ गलती हो गई ताकि नेक्स्ट ईयर वो चीज़ रिपीट नहीं हो प्रिपेयर बेटर प्रिपेयर बेटर बाकी आई एम विद यू एवरी डे मीन्स एवरी डे ओके सो अब जो दूसरा टॉपिक है वो है क्लाउड किचन्स आर कुकिंग अप अ स्टॉम क्लाउड किचन्स आर कुकिंग अप अ स्टॉम सी ये जो न्यूज़ है ना बड़ा अच्छा न्यूज़ है क्लाउड किचन यहाँ पे एक और न्यूज़ है जे एम आई यहाँ पे भी कोचिंग ट्वेंटी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किया वेरी गुड क्लाउड किचन्स आर कुकिंग अप अ स्टॉम ना दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़ पैंडमिक हुआ पैंडमिक हुआ तो जो रेगुलर रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे फुटफॉल कम हो गया लॉकडाउन लगा तो रेस्टोरेंट्स भी क्लोज हो गए तो फूड सप्लाई के लिए फ़ूड सप्लाई के लिए ये जो एप्लीकेशन आ गए हैं लाइक जोमेटो एंड स्विगी इन्होंने ना ट्रांसफॉर्म कर दिया है एज एंटायर फूड मार्केट को पहले क्या होता था एक बड़ा सा रेस्टोरेंट लो रेस्टोरेंट में फिर वहाँ पे पास में ही वहाँ पे फूड कुकिंग भी हो रहा है देन वहाँ पे ईटरी बैठने का भी सुविधा है एवरीथिंग इससे ना कॉस्ट बहुत हो जाता है कॉस्ट बहुत हो जाता है कि आपको रेंट भी देना है उस प्लेस का देन सो मनी एडिशनल कॉस्ट होती है वहाँ पर अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं लॉकडाउन होने के कारण इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब कुकिंग ऑफ फ़ूड है उसको भी डाइवर्सिफाई कर दिया है पूरे दिल्ली में दिल्ली लाइक सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जहाँ लेस एक्सपेंसिव प्लेसेज हैं वहाँ पर ये कुकिंग कर रहे हैं और बाकी जो एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये फूड डिलीवरी कर रहे हैं दे आर मोर फोकसिंग ऑन ब्रांडिंग बिल्डअप ब्रांड पैकेजिंग एक्सेट्रा तो ये जो कॉस्ट होती है ना हम फूड लूज इंडस्ट्री वगैरह देखते हैं ये जो कॉस्ट है ये जो कॉस्ट है दिस फूड मैन्यूफैक्चरिंग में फूड लाइक दिस रेस्टोरेंट में फूड कुकिंग में इसने टेक्नोलॉजी ने इसको ओवरहॉल कर दिया है यहाँ पे काफ़ी चेंजेस लेके आ गए हाइजीन एक कंसर्न यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए रिटेल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है लाइक like किसी पॉश एरिया में आपने शॉप ओपन किया है तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा रेंट बहुत होगा एक्सेट्रा टेक्नोलॉजी से ये जो प्लेस का जो बैरियर है ना ये ओवरकम हो गया जैसे जॉब्स में हुआ है जॉब्स में अब ज़रूरी नहीं कि आप एम में वर्क कर रहे हो तो किसी बड़े शहर में वहाँ पर रह रहे हो नो यू कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम एनी सेम इज़ विद दिस रेस्टोरेंट दीज रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी हैज कम टू द रेस्क्यू रेस्टोर बिजनेस इन दिटी रेस्टोर रेस्टोरों वाले जो हैं और जो शेफ्स हैं दे आर नाउ एबल टू मूव देअर किचन टू ऑप्सक्योर लोकेशन चीपर लोकेशन और डिलीवरी वो बाय दिस डिलीवरी मैकेनिज्म स्टेप ऑफ देअर क्लाइंट में कर देते हैं तो इससे ग्रोथ हुआ है एप बेस्ड फूड प्लेटफॉर्म्स का और ओवरऑल दिस इज गुड ये पूरा रेस्ट्रां बिजनेस के लिए स्काई रॉकेटिंग ओवरहेड्स जो थे वो ये सेफ कर लिया रेंट एट्सेट्रा ज़रूरत यहाँ पे है कि ये जैसे ऑप्सिक्योर लोकेशन पे गए ना तो यहाँ सेफ्टी प्रॉपर हो हाइजीन का मेंटेनेंस प्रॉपर हो और कॉम्पलाइंस जो भी होता है रेगुलेशन वो फुलफ़िल हो ये करना चाहिए बाकी टेक्नोलॉजीज नो डाउट इज अ सेवियर और इसी बात पे हम ये सवाल तैयार करते हैं ओवरकमिंग द बैरियर्स टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बाई यूज़ ऑफ़ innovation इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी लाइक जैसे gig इकोनॉमी की बात करिए टेक्नोलॉजी में जैसे अभी 5G जी आ रहा है जूम मीटिंग्स हो गया ओके okay, जैसे टेली मेडिसिन हो गया गवर्नमेंट भी डी टी एच वगैरह से स्कूल्स एंड लर्निंग्स दे रही है यहाँ हमने देखा कि जो ऑन्टोप्रनोर हैं रेस्ट्रां रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं उन्होंने ओवरकम किया है बैरियर टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी बाई यूज़ ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन थिंक और इसमें क्या क्या हम इसको बता सकते हैं इसका एक और पहलू टच करना है वो है कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है यहाँ एक रेगुलेशन भी होना चाहिए ताकि इसका मिस नहीं हो साइंस जो पेनेशिया है पेनेशिया हम कह सकते हैं इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी को बट वी हैव टू बी मास्टर ऐसा नहीं हो कि वी बिकम स्लेव सो ट्राई टू थिंक इन दिस लाइन और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कोट करिए गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखिए ट्राई टू कनेक्टेड विद द सिलेबस सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे दैन यहाँ है क्लाउड शेफ और ये लॉयर्स कल यहाँ एक कोर्ट में ऐसे गन फायर वगैरह हुआ ज़रूरी है कि ये जो प्लेस होते हैं कोर्ट्स एंड ऑफिसज यहाँ पे स्कैनर्स लगे मेटल डिटेक्टर्स लगे ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो देन आज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर है मतलब सेल्फलेस सर्विस ऑफ फार्मास वर्ल्ड फार्मास को हम सेल्यूट करते हैं ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये स्टैचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सो ट्रस्ट इज एसेंशियल टू हेल्थ केयर अब पहला एडिटोरियल है कॉम्प्लेक्स काउंट अब यहाँ जो वो डेटा है ना सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कास्ट सेंसस का गवर्नमेंट हेजिटेट क्यों कर रही है इस कास्ट सेंसस को कराने के लिए बिकॉज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होगी अप्रिसाइज कास्ट सेंसस इज डिफिकल्ट बट द डेटा विल बी यूजफुल टू ड्राइव सोशल पॉलिसी सोशल पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन इज़ अ पॉलिसी तो ये पॉलिसी शुड भी बैक्ड बाई अ डेटा डेटा फैक्ट तो उसके लिए सेंसस कराना पड़ेगा तो यही यहाँ पे conundrum बना हुआ है Second, अगर हम सेंसस कराएंगे कास्ट सेंसस से तो जो हमारे एथोज है लाइक हमारा एंड गेम क्या है कि वी हैव टू हैव अ सोसाइटी जो क्लासलेस हो स्ट्राइव फॉर क्लासलेस सोसाइटी जहाँ पर ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना आर्टिकल फोटीन ने क्या बोला है कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा बेस्ड ऑन रिलीजन रीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ तो इन सब बैरियर्स को इन दी एंड हमें हटाना है वो हमारा एंड गेम है वी शुड एम फॉर क्लासलेस सोसाइटी बट अगर हम इस टाइप से सेंसस कराएंगे एंड देन पोलिटिकाइजेशन होता है तो ये गोल सक्सेस कैसे होगा बट कास्ट सेंसस कराना भी जरूरी है क्यों क्योंकि इससे डेटा मिलेगा स्टैटिस्टिक्स होगा जो जस्टिफाई कर सकता है प्रिजर्विंग कास्ट बेस्ड अफॉर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं तो रिज़र्वेशन जब भी मुद्दा आता है इसका पॉलिटिकल वेट बहुत है चुनाव एट्सट्रा में पॉलिटिकल वेट तो इस कारण ये जब भी पॉलिसी आती है इधर कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी भी आती है तो हम इसका क्वांटिफाई नहीं कर पाते बट ये ज़रूरी है क्वान्टिफाइबल डेटा होना ज़रूरी है ताकि जो पॉलिसी जो भी हो वो बैक्ड बाय एक्यूरेट डेटा हो गवर्नमेंट बोलती है एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट होगा और कम्बरजम होगा ऐसा सर्वे कराना 2011 का जो एस सी डेटा था उसको भी बाद में उसकी ज़्यादातर रिपोर्ट को जंक कर दिया गया कि डेटा इनएक्यूरेट है तो अभी ये ज़रूरी है कि इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव कास्ट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्यूम्रेशन वुड बी रेंडेड सो कॉम्प्लेक्स दैट इट मे जेपरडाइज द डेकैनियल दिस सेंससस इट्सल्फ तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि ये जो दस दस साल में जो होता है सेंसस अगर इसमें हम कास्ट डेटा भी पूछने लग जाए तो ये पूरा प्रोसेस ही बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और जो सेंसस का एक्चुअल पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा सेकेंड इट साइट्स द डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ इनहेरेंट इन गेटिंग एन एक्यूरेट काउंट ऑफ कास्ट नंबर कैसे लाएंगे माइंड बॉगलिंग नंबर है इंडिया में कास्ट का फिर कास्ट में सब कास्ट हो जाती है फिर फनेटिक वेरिएशन हो जाता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज हो जाएगी वैसे भी इंडिया में प्रोटेस्ट इस बात पर अक्सर हो जाता है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉन्ट देम टू बी इंक्लूडेड इन दिस कास्ट बेनिफिट कास्ट के कैटेगरी में तो ये जो बात है गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि इस पूरे से जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो भी इम्पैक्ट आ सकती है तो जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 में तो ये भी एक कंबर्जम प्रोसेस था कास्ट सेंसस मे नॉट सेट वेल विद द गोल ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी बट इट मे सर्व इन द इंटरिम एज अ यूजफुल इफ नॉट एंटायरली फ्लॉलेस मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इनक्विटीज इन सोसाइटी सोसाइटी में इनक्विटीज़ हैं इनइविटीज़ हैं सबको बराबर राइट्स नहीं है तो द पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज और राइट्स फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी नीड सर्टन सपोर्ट सिस्टम और उस सपोर्ट सिस्टम के लिए वी नीड डेटा तो इनक्वलिटी के लिए इक्विटी चाहिए इक्विटी से बाद में हम अचीव कर पाएंगे जस्टिस बट इन सब के लिए डेटा इज नेसेसरी सो दैट इज बाय देर इज एन आर्ग्यूमेंट कि सेंसस होना चाहिए देन अ फ्लिकर ऑफ होप एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीनेशन मजब बी एक्म्पिन बाय एफर्ट्स टू ट्रेक ट्रैक वायरस वेरियंट्स अगेन सिंपल बात है यहाँ पे कि वायरस का वैक्सीनेशन तो कर रहे हैं हम सेफ गार्ड के लिए साथ ही साथ वायरस बिकॉज डेड और लिविंग होता है लिविंग होता है तो म्यूटेट करता है म्यूटेट करता है तो कहीं ऐसा म्यूटेशन नहीं हो जाए कि वो वैक्सीन को ओवरकम करने लग जाए सो नीड टू अ ट्रैक ऑन म्यूटेशन ऑफ द वायरस देन व्हेन ग्लोबल फॉर्म्स डिस एम्प्लॉयमेंट सफर्स ये बात है लीड आर्टिकल का ये लीड आर्टिकल है फोर्ड का जैसे अभी एग्जिट हुआ चार नौकरियां गई तो ग्लोबल सप्लाई चेन से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो वर्ल्ड लेवल की इवेंट्स का इम्पैक्ट आपके भी इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स में नज़र आता है हम एफ पे डिपेंडेंट करते हैं एफ से जॉब आता है टेक्नोलॉजी आता है जॉब जनरेशन इकोनॉमी को बेनिफिट होता है बट एफ से हम वल्नरेबल हो जाते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सी ये बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है 8.3 परसेंट हो गया अगस्त 2021 तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्वालिटी नहीं है क्वालिटी जॉब्स नहीं है जैसे क्विज में हमने पढ़ा था अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है पीपल आर स्किल्ड बट उस स्किल लेवल का जॉब नहीं मिल रहा है सो so, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट चीज़ हमें ओवरकम करना ज़रूरी है सेकेंड जॉब में भी एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा फिकल हो जाता है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी आती है और वो भी कोई बेनिफिट नहीं देती है तो नेसेसरी है सस्टेनेबिलिटी होना जॉब्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर का भी होता है प्राइवेट सेक्टर का भी होता है तो वी एम फॉर दिस क्राउड इन मतलब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़े बट पिछले कुछ टाइम से प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत लो रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है रीज़न ये है कि वेट एंड वॉच इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है एपेडेमिक का भी थ्रेट है तो प्राइवेट सेक्टर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इन जनरल वेट एंड वॉच पॉलिसी वो अपना रहा है अगर हम इस केस में एफ पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे ग्लोबल पॉलिसी से हमें ज़रूरत है कि जॉब्स में क्वांटिटी ही नहीं हो मतलब नंबर ऑफ जॉब्स इतने हैं अच्छी बात है साथ ही साथ क्वालिटी भी हो अगर ये एफ वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में तो जब इनका एग्जिट होता है जैसे अभी फूड का एग्जिट हुआ तो हम भी वल्नरेबल हो जाते हैं एग्जिट कैटस्ट्रॉफी होता है तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे बाकी इन्होंने रेगुलर टॉक कहा है कि जॉब जनरेशन मस्ट बी अ प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर वग़ैरह में काफ़ी जॉब था बट अब रियल एस्टेट भी पिट रहा है तो वहाँ पे भी जॉब्स कम है वर्कर्स माइग्रेंट इशूज हाउस होल्ड सेक्टर्स लो एंडिंग जॉब्स भी बहुत कम है प्लस मास स्केल में अगर लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के जो थे उनको रिलीज़ किया जाता है तो उनका री एम्प्लॉयमेंट और फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्जिट एंड डिसरप्शन सो अगर यहाँ पे देखें तो जो ग्लोबल इकोनॉमीज है जैसे कि नोकिया हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक मल्टीनेशनल कंपनीज़ है नोकिया फोर्ड सिटी बैंक ये क्या हो गए हैं ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो ये हमेशा कॉस्ट कटिंग भी देखते हैं और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बेस लाइक फोर्ड इंडिया से बेस हटाया इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही डिस्ट्रेस में है तो फोर्ड क्या कर रहा है रीस्ट्रक्चर कर रहा है सिमिलरली नोकिया एक टाइम पे 8000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था तमिलनाडु में नोकिया ने अपना प्लान बंद किया रीस्ट्रक्चर हुआ सिटी बैंक के साथ भी ये हुआ तो जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये जब रीस्ट्रक्चर करते हैं ऑपरेशन तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट में हिकअप्स आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही डिफ़िकल्टी में fossil fuel है फॉसिल फ्यूल है पॉलिटिंग है और कॉस्टली है तो फॉसिल फ्यूल मतलब इंटरनल कम्बसन इंजन के टेकर्स बहुत कम है कोविड लॉकडाउन लगा तो डिमांड हिट हो गया सेमी कंडक्टर का शॉर्टेज है तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है प्लस जैसे अभी फोर्ड एग्जिट हो गया तो क्या ये डोमिनो इफेक्ट तो नहीं लाएगा दीज आर सर्टेन चैलेंजेस द पॉइंट इज ये जो टाइम है इसमें अजिलिटी रैपिडिटी एंड मोबिलिटी ये तीन की बहुत जरूरी है नोकिया एक टाइम पे ऐसा था कि मतलब नोकिया किंग माना जाता था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बट अजिलिटी रैपिडिटी मोबिलिटी एंड चेंज विद टाइम नहीं हुआ तो नोकिया बिक गया सेम इज विद फोर्ड फोर्ड भी ऑटोमोबाइल का मेजर जॉइंट माना जाता है यूएस कंपनी बट अगेन फोर्ड इज स्ट्रगलिंग सो द पॉइंट इज ब्रांड्स जो हैं कंपनीज जो हैं उधर भी जरूरत है अजिलिटी रैपिडिटी मोबिलिटी चेंज विद टाइम अभी अगर पूरा इन्वेस्टमेंट और ब्रांड्स और कंपनीज की बात करें तो सबकी पॉलिसी यही है वेट एंड वॉच इवन इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान भी वेट एंड वॉच ही रही है अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है तो स्किल्ड वर्कर्स अगर रिलीज होंगे तो लेबर मार्केट भी डिसरप्ट होगा वो पर्टिकुलर स्किल्ड के हैं जैसे फोर्ड के एम्प्लॉयज थे ऑटोमोबाइल में अब उनको कहाँ फिट करोगे अनएम्प्लॉयड जो हो गए उनको कहाँ फ़िट करोगे तो इससे मार्केट डिसरप्ट होता है सेकेंड अगर एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो गॉन आर डेज जब ऐसा होता था कि जिस नौकरी में आप लगे रिटायरमेंट भी उसी से लोगे अब वो जमाना गया लाइफ लॉन्ग जॉब ऐसा अब रेयर हो रहा है अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है पीपल चेंज जॉब स्विफ्टनेस तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अजिलिटी रैपिडिटी मोबिलिटी वर्क करती है सो दिस इज द मैसेज ओवर हियर सेकंड इज इंडिया इज नॉट अ बाइ स्टैंडर्ड इन द ऑकस सागा ऑकस सागा ये जो ऑकस सागा डेवलप हुआ है ना पिछले कुछ टाइम में लास्ट फ्यू वीक्स में इसने जियो अगेन बहुत चेंज कर दिया है ऑल्टर कर दिया है कैसे नाटो की प्रेजेंस में और स्पेशली फ्रेंच एंगल में यूएस की क्रेडिबिलिटी पे भी कुछ सवाल उठते हैं अब जैसे ऑकस हुआ ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए ऑस्ट्रेलिया को यूएसए न्यूक्लियर टैक देगा ताकि ऑस्ट्रेलिया बना पाए न्यूक्लियर सबमरीन यूके को ऑलरेडी यूएस ने न्यूक्लियर टैक दिया है तो यूके ने बनाई न्यूक्लियर सबमरीन अब ऑस्ट्रेलिया को भी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की इसी टाइम पे डील चल रही थी एक महीने पहले ही स्टेटमेंट आया था कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से जो कन्वेंशनल सबमरीन है डीजल ऑपरेटेड नब्बे बिलियन का जो प्रोजेक्ट था नब्बे डॉलर नाइन्टी बिलियन का कुछ कंप्लीट प्रोजेक्ट था सबमरीन का वो कंटिन्यू रखेगा बट इतना सीक्रेसी से इन्होंने ये काम किया फ़्रांस को डार्क में रखा और डील कर लिया यू के साथ न्यूक्लियर सबमरीन तो फ्रांस ऑब्वियसली फेल्ड बेड फ्रांस ने अपने एनवॉइस भी बुलाए और इससे क्या हुआ डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ इस पूरे नाटो ग्रुप में यूएस ऐसा क्यों कर रहा है यूएस डेटरेंस टू चाइना क्रिएट करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करना चाहता है इधर ताकि चाइना का हैजमनी काउंटर हो इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा यूएस एस इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेगा बिकॉज इंडिया भी अगर टू स्ट्रांग बन गया तो नो यूएस हमेशा करेगा एक बैलेंस बना रहे तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कर रहा है अब बात यहाँ पे आ जाती है क्वाड वर्सेज ऑकस तो क्वाड जो है इसका मिलिट्री अलायंस नहीं है सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ नहीं है ये बात यू ने कह के इंडिया के लिए भी काम आसान कर दिया बिकॉज अब इंडिया एस में भी आराम से काम कर रहा है और इंडिया क्वाड में भी आराम से काम कर रहा है तो इंडिया जो एक्चुअली में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एथोज है ना वो वंडरफुली डिलीवर कर रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए यूएसए के साथ भी हैं हम अपने इंटरेस्ट के लिए चाइना के साथ भी हैं तो जो चाइना और यूएसए का जो पर्सनल दिन की ड्राइवलरी होगी इंडिया इज नॉट इन टू दिस इंडिया इज नॉट इंटू दिस तो जो कल हमने एक सवाल तैयार किया था कि सेकेंड कोल्ड वॉर एरा आ रहा है क्या अगर ये सेकेंड कोल्ड वॉर एरा टाइप सिचुएशन डेवलप भी होगा यू एस ए और चाइना का तो इंडिया भी फिर से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट टाइप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए ओपन रहेगा तो दिस इज गुड सेम इज विद ऑकस ऑकस्ट से भी जियो चेंज होगा ऑस्ट्रेलिया वैसे भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है तो इंडिया को इन अ वे बेनिफिट होना चाहिए ऐसा आज की डेट में हम सोच रहे हैं इंडिया के पास अरिहंत है और चक्र लीज पे लिया था वापस कर दिया ये दोनों सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो लॉन्ग एंडरेंस होता है लंबे टाइम तक मिशन कर सकती है एट्सेट्रा हमारे पास अरिहंत तो है जो हमने रशियन टेक्नोलॉजी से बनाया है न्यूक्लियर बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी केपेबल सो वी ऑल वी ऑब्वियसली नीड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी अब यूएस ने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया फ्रांस क्या क्या करेगा फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरिन तो क्या फ्रांस डीजल के साथ साथ न्यूक्लियर भी सप्लाई करेगा फ्रांस भी अब क्या है नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया से डील कैंसिल हुआ तो फ्रांस अब टिल्टेड होगा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स इंडिया तो दैट इज़ वाई ये जो ऑकस हुआ ना इसने बहुत सारे जियो एंगल्स ओपन कर दिए हैं क्वाड नॉट अ मिलिट्री टाइप यूएस ऑफिशियल ने कहा एक्सेलेंट वी लाइक इट देन दिस इज स्वैंकी मेक ओवर है दिस चॉल स्लम्स स्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए यहाँ पर भी जैसे कोविड नाइन्टीन का थ्रेट आया था तो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ जो बेसिक कम्यूनिटीज़ हैं वगैरह कैसे प्रोवाइड की जाए स्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ज अबाउट नेक्स्ट वन नेक्स्ट पेज ये है वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस के साथ बायोलिट्रल टॉक हुआ प्राइम मिनिस्टर इंस्परेशन टू मैनी पीपल दैन दिस इज हिस्टोरिक विन है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक विन विन कमला हैरिस का इंडिया से भी कनेक्शन है सो दैट इज़ वाई वाइस प्रेसिडेंट हैज़ सर्वड एज एन इंस्पिरीशन टू मैनी पीपल फर्स्ट वेमेन वाइस प्रेसिडेंट एज़ वेल देन क्वाड नॉट अ मिलिट्री टाइ अप यूएस ऑफिशियल ने कहा इंडिया रिजेक्ट करता है चाइना का अक्यूजेशन ऑन क्लैश चाइना की थ्योरी ऑन गलवान क्राइसिस दैन दिस इज असम मिजोरम आई आई टी बॉम्बे ग्रेजुएट टॉप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टॉपर्स शेयर्स शेयर टेल्स ऑफ ओवरकमिंग सेटबैक लाइफ का मतलब ही होता है चैलेंजेस आना द पॉइंट इज यू हैकम दैम फाइट ओवरकमिंग सेटबैक दैन एम ओडी स्ट्राइक्स ट्वेंटी टू थाउजेंड करोड़ डील विद एयर बस नाउ दिस इज अ गुड न्यूज बाई बनोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और टाटा एडवांस पार्टनरशिप विद एयर बस ये प्लेन्स बनाएगा बाईस हजार करोड़ का डील है छप्पन सी टू नाइनटी फाइव बनेंगे कुछ फ्लाई ओवे कंडीशन में आएंगे कुछ हम मैन्यूफैक्चर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये साइन किया है ट्वेंटी टू थाउजेंड करोड़ का एयरबस डिफेंस स्पेस ऐसे स्पेन के साथ तो 56 सिक्स सी टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा इंडिया की जो एजिंग 56 सिक्स एवरो एयरक्राफ्ट है जो हमने 1960 में लिया था पुराने हो गए तो ये नए हैं 56 सिक्स इन नंबर सी टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो जो पहले 16 हैं वो असेंबल तो स्पेन में होंगे बाकी जो 40 है वो इंडिया में असेंबल होंगे तो गुड यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है ट्वेल्व एयरक्राफ्ट पर ईयर के स्पीड से हम बनाएंगे तो टाइमली कंप्लीट भी हो जाना चाहिए इससे क्या होगा पंद्रह हज़ार हाई स्किल जॉब्स होंगे इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे दस साल में एक्सीलेंट तो ये प्लेन है सी टू नाइनटी फाइव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये वर्जाटाइल और एफिशिएंट है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट और अनपेव्ड रन रन वे में भी लैंड कर सकता है मतलब उबड़ खाबड़ अगर प्रॉपर रन वे नहीं है तो भी ये वहाँ पर लैंड कर पाएगा गुड इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिजिनस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा जो बी और बी ने डेवलप किया है एक्सीलेंट 71 वन ट्रूप फिफ्टी पैरा ट्रूप स्टैंडर्ड पैलेट्स इतने इसकी कैपेसिटी है ये पैरा ट्रूप का मतलब क्या होता है आप बताओ पैरा ट्रूप होते हैं पैरा ट्रूपर्स होते हैं ये क्या होता तो है तो ये ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है तो दीज आर नंबर गुड काफ़ी रिलायबल मशीन है ये और इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा 40 इंडिया में और 16 फ्लाई अवे कंडीशन में टोटल 56 सिक्स सी टू नाइन फाइव अब डिफ़ेंस की बात करें ना तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है टू थाउजेंड फोर्टीन टू एटीन सिपरी रिपोर्ट ये चीज़ गलत है इम्पोर्टर तो इससे क्या होता है कि हमारा ज़्यादातर पैसा खरीदने में ही लग जाता है परचेजिंग में आर्म्स एंड ऑल देन डिफेंस बजट इतना है डिफेंस बजट इंक्रीज़ भी कर रहे हैं इतना ट्रिलियन 2025 तक हो पाएगा द होल आइडिया इज की वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव डिफेंस केपेबिलिटी एंड मेंटेन नेशनल सोवरनिटी एंड अचीव मिलिट्री सुपीरियोरिटी इंडिपेंडेंट बनना सेल्फ रिलायंट बनना जरूरी है एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने का कोशिश करिए अगेन इसमें आप सिपरी रिपोर्ट लिखो अभी जैसे रिसेंट ये हुआ इसके क्या आउटकम्स होंगे जैसे जॉब्स भी बन रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है अभी न्यूक्लियर सबमरीन का भी एंगल डालो एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी एवरीवेयर दिस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे करें अभी जैसे कुछ राइफल्स लेने का भी बात था कलाशिंग फ्रॉम रशिया उसका क्या हुआ थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंबाइन करो चाइना सेंट्रल बैंक रूल्स ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स टू बी इ चाइना ने बोला क्रिप्टो ट्रांजेक्शन सारे इल्लीगल है इंडिया की आर को भी क्रिप्टो पसंद नहीं है इस टॉपिक में ना आप चैलेंजेस भी लिखना कि क्या चैलेंजेस आते हैं कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाते वॉट आर द चैलेंजेस ओके यू एस हाउस अप्रूव वन बिलियन री सप्लाई आयरन डोम आयरन डोम क्या है इसराइल का है अभी यहाँ से जैसे रॉकेट चलते थे दिस गाजा स्ट्रिप और यहाँ से वेस्ट बैंक से तो इसराइल का आयरन डोम उसको काउंटर कर देता है रॉकेट्स को वो रॉकेट्स फिर लैंड नहीं कर पाते हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है आयरन डोम इकॉनमी ऑन सस्टेन रिवाइवल पाथ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हुआ है इंडिया में अभी डायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो हो रहा है तो ये सब चीज़ें बताता है इकोनॉमी इंडिकेटर अच्छे हैं सेंटर ने नोटिफाई किया है मेडिकल डिवाइस पार्क्स की मेडिकल डिवाइस मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन कॉस्ट लाइकली टू कम डाउन आईसीएमआर स्टॉप कर रहा है यूज ऑफ आईवर मैक्टिन एंड एच फॉर कोविड नाइन्टीन ट्रीटमेंट विमेन अप्लाई कर सकते हैं एन में देन गुजरात में ये सीजर हुआ क्वाड विल फाइंड नो सपोर्ट चाइना अप्रीहेंसिव है चाइना इज नॉट एट ऑल हैप्पी और चाइना का सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को इलीगल बताया देन नॉर्थ कोरिया में रिलैक्सेशन मिल रहा है कुछ इकोनॉमी सस्टेन्ड रिवाइवल पाथ में है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रिसीव सत्रह प्रतिशत हाई है उन्नीस बीस में गुड सेंसेक्स सिक्सटी थाउजेंड टच कर रहा है एक्सेलेंट कंटिन्यू टू रैली 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 मतलब बुल रन हो रहा है यहाँ पे बुल रन बुल भाग रहा है सेंसेक्स ऊपर जा रहा है बियर आएगा तो सेंसेक्स क्रैश हो जाएगा

एंटी डंपिंग ड्यूटी वर्सेस काउंटर वेलिंग ड्यूटी यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस टेल तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी फार्मा एपीआई फ्रॉम चाइना लगाने का सोच रही है आरबीआई बी इशू किया है नए नॉर्म्स ऑन बैड लोन ट्रांसफ़र बैड बैंक कंज्यूमर ड्यूरेबल फॉर्म्स हैं आई फेस्टिव सीजन फॉर सेल्स बूस्ट तो अभी क्या डिमांड बढ़ेगी बिकॉज इंडियन फेस्टिवल सीजन में परचेजिंग ज़्यादा करते हैं थर्ड वेव का क्या होगा शॉर्ट सप्लाई ओवरकम होगी या नहीं होगी इन्फ्लेशन का क्या होगा एग्रीकल्चर अभी जैसे खरीफ में बुआई तो अच्छी हुई है बट लेटेस्ट सी तो ये सब फैक्टर्स डिक्टेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड को डी ने ट्राई व्यू मांगा है ऑन 5G जी ऑप्शन स्पैक्ट्रम प्राइसिंग क्वांटम इन फोकस है लेटेस्ट सी फाइव में भी बहुत डिले हो रहा है इतना डिले इज नॉट राइट मीन ये आई चल रहा है एयर क्वालिटी ओके सो दिस इज़ द हिंदू अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन यूएस टाइज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं डाइवर्सिटी है, है। बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर को कहा तो इट इज़ गुड यू भी अगर ठीक रहता है डेमोक्रेटिक कंट्री है वैल्यूज़ है डाइवर्सिटी है इंडिया के लिए भी सिग्निफिकेंट है फॉर इकोनॉमिक एंड अदर रीजन्स सो इट इज़ गुड इंडिया एंड यू पार्टनरशिप देन दिस इज अबाउट सो दिस इज द फ्रंट पेज ये सारे टॉपर्स हैं यूपीएससी पी एस सी के हार्डवर्क एक्सेलेंस वेरी गुड देन हिमालयन फिल्म फेस्ट लॉन्च हुआ है कहाँ पे लद्दाख में देन प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलियन और जैपनीज काउंटर पार्ट से भी मीट किया क्वाड क्वाड ये स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने ये साइन किया है एयरबस के साथ 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये है सी टू नाइन फाइव एयरक्राफ्ट मानसून का विड्रावल स्टार्ट हो गया है नागा टॉक्स चल रहे हैं ये चाइना का एक जो मिशन मून पे गया था वहाँ से ऐसे ये सैंपल्स लेके आए अब इस सैम्पल से स्टडी करके हम सोचेंगे मून कैसे बना क्या वहाँ की जियोलॉजी थी एट्सट्रा दिस बाकी प्राइमरली ये जो रॉक मिली है वो बेसाल्ट रॉक है बेसाल्ट बिकॉज जितने भी प्लैनेट्स वगैरह बने हैं वो ऐसे ही है कि अंदर से कुछ ऐसे बाहर निकल के आता है बेसाल्ट मैग्मा लावा टाइप्स ऑफ रॉक सो so ये वहाँ पे अर्ली फाइंडिंग्स हैं देन ये अर्जुन मार्क वन ए जो नया टैंक बन रहा है डिफेंस बोर्ड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है एक्सिलेंट साढ़े सात हजार सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी थ्री करोड़ का है ये प्रोजेक्ट हैवी व्हीकल फैक्ट्री इसको बना रहा है इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स भी किए हैं कि टेरेन मोबिलिटी है मैनूवर बेटर होगा टारगेट ज्यादा करेगा डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेट हो सकता है ओके प्रोटेक्टिव आर्मर कंचन है इसका हंटर किलर होगा डी हो अभी इसके मिसाइल ट्रायल्स भी देख रहा है गुड तो ये टॉपिक भी आप लिखना डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में इसमें 55 परसेंट तक इंडिजनाइजेशन है मतलब हम बना रहे हैं खुद जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो भी इंडिजिनाइज कंपोनेंट है दिस मार्क वन ए ये चाइना 3.0 है चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा लग रहा था एवर ग्रेनेड जो इनका फेलियर हुआ उसको सेव कर लेगी बट चाइना ने कहा नहीं कॉरपोरेट को सिग्नल दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी नो कारपोरेट इज टू बिग टू फेल वर्ल्ड लेवल पे इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए बिकॉज इतने लिंकेजेस हैं नहीं तो हम इसको डायरेक्टली लेमन ब्रदर कोलेप से नहीं ले सकते फॉर अ रेनबो क्लासरूम बट अब यू यू नेवर नो अगर इससे कोई डोमिनो इफेक्ट आया और भी बहुत सारी जो फॉल्ट लाइन है चाइना की वो अगर कोलैप्स होने लग गई फॉल्ट लाइन वाइडन हो गई तो उससे फिर उन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो बी आर आई और वगैरह से चाइनीज लोन एंड डिपेंडेंट है देन दिस इज़ फॉर अ रेनबो क्लासरूम इक्वेलिटी होना जरूरी है द स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर अब जैसे गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइज कर रही है तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कंट्री की सोवर्निटी इकोनॉमिक फ्रीडम भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है थ्रेटन होती है एनर्जी की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पॉश्चर देन दिस इज यूनाइटेड फ्रंट है चाइना क्रिप्टो करेंसी पर क्रैकडाउन कर रहा है क्लाइमेट की फाइट है सी ने एंडोस किया यूएसए एस की थर्ड जैब भी लगेगा थर्ड डोज भी लगेगा कोविड वैक्सीनेशन का ये अच्छी चीज़ है डायरेक्ट टैक्स मॉपअप राइज सेवेंटी फोर परसेंट सो फॉर दिस फिस्कल ईयर जीएसटी प्रोब है ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है जो पुराने रेगुलर बैंक्स होते हैं ना अब वो बैंक्स अब डिजिटल ओनली बैंक जो नए आ गए हैं लोग अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल ओनली डिजिटल सॉल्यूशंस है डिजिटल पेमेंट्स है एवरी ऑटोमेटिकली टैक्स पे वगैरह एडवांस टैक्स सब हो जाएगा डिजिटल ओनली बैंक वन थर्ड ऑफ इंडियन सर्वेड सर्वेडर विलिंग टू स्विच टू डिजिटल ओनली बैंक मतलब इनका कोई ऐसा ऑफलाइन ओफ ऑफिस नहीं है सब डिजिटल है बैंकिंग नीड्स में ये बताया मैकेसी रिपोर्ट ने ये मैकेसी रिपोर्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छी है ट्विटर और वगैरह में इनके पोर्टल्स देखना इसकी वेबसाइट भी देखना काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स और नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें आती है इस वैकेंसी रिपोर्ट में तो ये बोल रहे हैं डिजिटल बैंक अब वर्चुअल बैंक का ज़माना है तो बिकॉज कॉस्ट कम होती है यहाँ पे अगेन जैसे हमने अभी पढ़ा ना क्लाउड शेफ़ क्लाउड रेस्टोरेंट तो ऐसे ही यहाँ पे अगर फिजिकल कुछ ऑफिसेज़ नहीं है तो कॉस्ट कम हो जाएगी बैंकिंग ऑपरेशन की तो वो बेनिफिट्स ये पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स को लो कॉस्ट है सर्वे ने बताया डिजिटल बिहेवियर वैसे ही बढ़ रहा है इंडिया का जो यू पेमेंट है ना और डिजिटल पोस्ट दिस इज़ वे टू गुड यूएस यूरोप में भी इतना अभी डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है इनफैक्ट जो हमारा जो अभी कोविन प्लेटफॉर्म है ना ये भी वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया में वी हैव डन रिमार्केबली गुड इन पास सम टाइम तो मेजोरिटी लोग अभी डिजिटल पुश के लिए रेडी है गूगल प्ली अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट प्रो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया देन स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्शन दिस इज लोन ए आर सी रिलेंटलेस रिफॉर्म टू थाउजेंड फोर्टीन से चल रहे हैं एवोग्रेड इन्वेस्टर अभी सोच रहे हैं क्या होगा तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस ओके अब हम पढ़ते हैं ये फाइनल तीन दो नाम हैं जो वाइस रॉय सीरीज के थे ये है लॉर्ड माउंट बैटन ऑफ बर्मा ऐसे टाइटल ले लेते थे, थे ये तो ये माउंट बैटन ऑफ बर्मा इनका टाइटल है द विस्काउंट माउंट बैटन ऑफ बर्मा जो लॉर्ड माउंट बैटन है ये लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिशर्स रहेंगे और डोमिनियन ऑफ इंडिया जो बनेगा तो उसमें फर्स्ट वाइस रॉय गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया भी आप ही बनेंगे तो 47 तक 15 अगस्त 1947 तक इनके टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा जॉर्ज सिक्स का रूल है थर्टी सिक्स टू फिफ्टी टू तक चलेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही तो अभी डोमिनियन ऑफ इंडिया में यही है फिर विस्काउंट माउंट बैटन बर्मा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहेंगे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज अगेन लॉर्ड बैटन रिमेंबर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन नाइनटीन तो वो रहेंगे राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी ओके तो तो रिमेंबर दिस थिंग डिफरेंस है पे तो अब वाइस रॉय सीरीज कंप्लीट इसका पूरा एक सिंगल पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा क्विकली गो थ्रू इट वन लाइनर्स इससे अक्सर आए हैं ओके अब इसके बाद अपन मैप सीरीज रिज्यूम करते हैं दो तीन दिन में वो भी कंप्लीट कर देंगे ये बड़ा इजी था जैसे ग्रास इरोजन है तो डैम बेसिकली क्या है इज लिंक टू वाटर लिंक टू वाटर ग्रास से जैसे इरोजन हो रहा है ग्रास उसको इरोजन को स्टॉप कर रहा है डैम वाटर को स्टॉप कर रहा है तो दिस इज वॉटर लेथार्जिक है तो वो वाइटल हो गया जैसे ट्राइट है मतलब बड़ा कॉमन सा है तो यूनिक मतलब समथिंग डिफरेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है यूनिक ग्रेन का स्टॉक होता है तो स्टिक का क्या होता है बहुत सारी स्टिक को कंबाइंडली ऐसे बंडल बनता है बंडल तो इस टाइप के सवाल भी कई बार आए हैं यूपीएससी एंड सम अदर यूपीएससीग्जामेशन में तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग वोकैबुलरी अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है ये आपको अनपैरल बेनिफिट देगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी रखना जरूरी है इसके भी अनपैरल बेनिफिट्स होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ओके और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है जस्ट पुट सम एफर्ट्स एवरी डे इन नो टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल अब ये बेसिक अरेथमेटिक है ये भी बहुत अच्छे से आना चाहिए अप टू क्लास टेंथ

टीचर आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन बताएगा आप उसको अच्छे से देखोगे समझ में भी आएगा बट जैसे खुद से करने की बात आएगी ना आप ब्लैंक हो जाओगे अंडरस्टैंड दिस थिंग सो दैट इज वाई स्पून फीडिंग नहीं आप इसको करो ये सवाल है सॉल्व इट नंबर क्या होगा इससे आपकी एक्यूरेसी होगी कॉन्सेंट्रेशन होगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे चीजें नहीं सेटल होगी अंडरस्टैंड सो डू इट इफ एज हाइट इज फोर्टी परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज मोर देन दैट ऑफ ए डू इट थिंक स्पेंड समाइव मिनट थिंक क्या लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करिए सॉल्व करिए ओके सो दीज आर सीज एड क्वेश्चन सोल्यूशंस वाइस रॉय स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर डिजिटल ओनली बैंक सेल्फ रिलायंस डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग में क्यों जरूरी है एग्जामिन दिस थिंग देन दिस इज यू एस एंड ऑकर्स इंडिया यू एस रिलेशन फार्मेसी डे है यूपीएससी रिजल्ट है ओके सो दिस इज दिस इज 25th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.